गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। फटाफट बता जाइए। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। वॉइस आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। फटाफट बता जाइए। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून शिवाय, दिलीप, कीर्ति, अमन, दुर्गा। गुड आफ्टरनून शिवाय, दिलीप, कीर्ति, अमन, दुर्गा। वाइज आ रही बेटा? क्लियर? यस सर। दीक्षा गुड आफ्टरनून। मनीष फटाफट सब लोग आइए बेटा। वाइस क्लियर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकास, अनूप, कुमकुम, दुर्गा, मनीष, दीक्षा, दिलीप, स्वागत है सभी लोगों का। फटाफट आ जाइए। जल्दी आइए फटाफट, सेशन स्टार्ट किया जाए। रशिता गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून साहब। अंजलि फटाफट। अनूप, दिव्या सिंह स्वागत है। दिव्या, शिया, समिस्था, पल्लवी, दिलीप, वाइजिस क्लियर, ओके, नेहा, कीर्ति, फटाफट सब लोग आइए। बहुत ही कम लोग हैं अभी। सेशन को लाइक और शेयर फटाफट करिए। सेशन को लाइक और शेयर करिए। राधे, हेलो राधे, फटाफट। शुभम, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। आपने जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रैंकिंग है, सीक्वेंस, आज उसकी टेस्ट सीरीज है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। यस सर, स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना? हाँ, फटाफट सेशन को लाइक करिए सब लोग। फटाफट सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अब टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, लेक्चर सेकंड है आज हमारे पास रैंकिंग ने सीक्वेंस का। इसके बाद बिल्कुल शुरू करते हैं। विशाल और आ जाइए सब लोग फटाफट। जल्दी आइए। सोनू स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है, जितने भी लोग हैं सबका स्वागत है। फटाफट आ जाइए। 60 भी कम लोग हैं। सामने आइए सर। दिव्या बिल्कुल सामने आ रहे हैं। कल का सेशन बहुत अच्छा था, काफी लोगों ने कमेंट में बहुत अच्छे कमेंट किए, ठीक है ना? सेशन भी अच्छा लगा। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अमन बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत है अमन आपका सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? राधे, ओके, ठीक है। तो फटाफट कल के सेशन में अगर किसी को डाउट हुआ हो या ऐसा कुछ डाउट रह गया हो तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वो डाउट बता दीजिए, ठीक है ना? आई होप कल के सेशन में किसी को डाउट नहीं रहा होगा। कल का सेशन बहुत अच्छा गया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। चलिए जी सर। अंजलि, ईशान, ओके, आयुष, चलिए फटाफट आते हैं फेस टू फेस। आई एम न्यू सर। दिव्या, डजंट मैटर, आप न्यू हैं, ठीक है ना? पर आप न्यू हैं तो आप चीजों को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? बेनिफिट मिलेगा। घर में क्वेश्चंस किए होंगे आई होप, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बेनिफिट मिला होगा, हेल्प मिली होगी। जो जिस पैटर्न से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था उस पैटर्न में सबको हेल्प मिली होगी, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून सृष्टि, दुर्गा, यस सर, नो डाउट, थैंक यू सृष्टि, दुर्गा, चंद्रेश, फटाफट करिए। सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है। रुपेश, ओके, डजंट मैटर रुपेश, फर्स्ट है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत समय से पढ़ने पढ़ रहे हैं, नो डाउट सर, मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ओके, ठीक है।
एप्टीट्यूड भी कराएंगे। हाँ कराएंगे जतिन, बिल्कुल कराएंगे, पर एज यूजुअल जैसे हमने बोला था कि टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, इसके बाद फिर हम लोग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक उठा लेंगे, देन आफ्टर हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, देन लास्ट में फिर हम लोग पजल की बात करेंगे। ठीक है, टाइटल इंग्लिश योर लैंग्वेज सर, कैन यू एड टाइटल इंग्लिश इन योर इंग्लिश लैंग्वेज? ओके सुनील, आई एम न्यू सर। ठीक है सुनील, स्वागत सबसे पहले आपका। और टाइटल इंग्लिश में हम आई थिंक मैं सब चीजें रिपीट करता हूँ इन बायलिंगुअल में, बट इनकेस अगर तब भी आपको डाउट होता है, कुछ ऐसी रह जाती है दैट यू कांट अंडरस्टैंड, देन यू सेंड मी दैट, आस्क मी प्रॉपरली, आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रेंकली। ठीक है ना, नो डाउट सर। ओके तो फटाफट कॉन्सेप्ट सारा कल का रिवाइज होगा ही आप लोगों को, इसके बाद हम लोग अब कॉन्सेप्ट के बेस पर आज हमारे पास टेस्ट सीरीज लगा रखी है मैंने, इसीलिए मैंने आज टेस्ट सीरीज लगा रखी है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग सिंपल क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अपने से दूर कर देते हैं और वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आज हम लोग अच्छे के साथ साथ और सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक बेटा, चले तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा रैंकिंग से है। ठीक है ना, देखिए यहां पर आपको हर एक पैटर्न मिल जाएगा बेटा, हर एक पैटर्न। चले यहां पे कह रहा है द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 23197635189455 शैल रिमेन सेम इफ द डिजिट आर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो आपको इसको सॉल्व करना है फटाफट। मैंने कल बताया था कि अरेंजमेंट रैंकिंग का मेथड सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन से नहीं होता है, वो आपको किसी भी तरीके से अरेंज करा सकता है बेटा। आपको डिजिट दे देगा, डिजिट आपको रैंकिंग में सेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन दे देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा, तो आपको हर एक चीज को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। आप नॉट ओनली डिपेंड ओनली द पर्सन, आपको हर एक पैटर्न पर फॉलो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आपको डिजिट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तेजस्वी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून तेजस्वी, फटाफट स्टार्ट करिए। फटाफट आंसर बताइए इसका, एज यूजुअल जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम मेंशन होगा बोर्ड पर। फटाफट सॉरी थोड़े लेट हो गए, कोई बात नहीं तेजस्वी, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत लेट नहीं हुए हो आप। चलिए फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्पीड बना के रखिएगा और आंसर बताइए। हेलो सर, हेलो मंदर, हेलो बेटा यतीन्द्र बी, यतीन का आंसर सबसे पहले आया, आई होप यतीन का आंसर बिल्कुल सही होगा। यतीन का आंसर सबसे पहले आया है बी। ठीक है, सी राजेश्वर फाइव, हेलो सर न्यू स्टूडेंट, सागर स्वागत, स्वागत सबसे पहले आपका। ठीक है, न्यू स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, चलिए आपको टॉपिक पता है आज का, टॉपिक है जहां पर रैंकिंग, आज की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट होता है कॉन्सेप्ट में या चीजों को लेकर, तो आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सेंड कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। मोहित फाइव, मिनाज गुड आफ्टरनून, मिनाज फटाफट बताइए आंसर, सभी लोग फटाफट, सभी लोग आंसर पर आइए, सभी लोग आंसर पर आइए। कह रहा है द पोजिशन ऑफ द हाउ मेनी डिजिट नंबर शैल रिमेन इफ द डिजिट आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, अगर डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी पोजिशन चेंज नहीं होगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया सबसे पहले आप लोगों को। ठीक है ना, चले यस सर, आई सॉ योर वीडियो, थैंक यू, थैंक यू सर। तो यहां पर स्टार्ट करते हम लोग, सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट दे रखी है वो है 23197635189455
देन 5, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, हमें क्या अरेंज करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाएगा इसको, तो यानी कि छोटे से बड़े प्रोसेस में लिखा जाएगा, सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले लिखी जाएगी। देखिए 1 1 यहाँ पर डबल टाइम आया है, तो 1 को यहाँ पर 2 टाइम लिखा जाएगा, इसके बाद 2, देन 3। देखिए 3 भी 2 टाइम आया है हमारे पास, 3 भी 2 टाइम आया है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हमारे पास डबल टाइम आया है, बिल्कुल सही है, 5 डबल टाइम आया है, इसके बाद 6, इसके बाद 7, देन 8 और 9 भी हमारे पास डबल टाइम आया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है शेल रिमेन, आपको बताना है कितनी डिजिट ऐसी हैं हमारे पास, ठीक है ना, कितनी डिजिट ऐसी हैं हमारे पास जो कि सेम रहती हैं हमारे पास, ठीक है ना। चले अब देखते हैं यहां पर, यानी कि यहां पर पोजीशन ऊपर नीचे दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। यहां पर देखिए, तो यहां पर ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये सब अलग जा रही हैं, ठीक है, ये सब अलग है, सिर्फ ये डिजिट ऐसी है जो ऊपर नीचे डिट्टो मैच कर रही है, इसके अलावा कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रही है। तो योर आंसर इज ओनली 1 डिजिट है, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यतीन थोड़ा सा फोकस करिए बेटा, ठीक है ना, आई होप अगली बार आप बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, आयुष, अदिति, शमिष्ठा, नेहा, मोहम्मद, समीन, सृष्टि, राजेश्वर, कीर्ति, स्वागत सभी लोगों का। अदिति वेरी गुड। चलिए, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे उम्मीद रहेगी वो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करेंगे और बताएंगे। क्लियर हो गया, रिप्लाई करिए। ओनली 1 5 डिजिट इज 5, बिल्कुल सही है दिव्या, दुर्गा, सागरिका, यस क्लियर है। तो फटाफट जंप करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्गा ठीक, क्वेश्चन समझ में नहीं, प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा था कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए, उसको देखिए, समझिए, देन आफ्टर आप आंसर बताइए बेटा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं यहां पर। दुर्गा पांडे बिल्कुल सही, दुर्गा सॉरी सर मेरा मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे भी आपको खुद को प्रूफ करने के, बढ़िया। चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इन अ स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन अ टोटल 75 पीपल टुक्स पार्ट। ये क्या है सर, ऐसे क्वेश्चन को कितना टाइम देना होता है? बेटा बस क्वेश्चन में इसमें आपको ये देखना होता है सिया, कि अगर आपने इसकी नंबरिंग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर परफेक्टली सेट कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मैक्स आप 7 to 8 सेकेंड लगाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा है श्रुति पोजीशन वाज 13 फ्रॉम द टॉप एंड द बरखा टुक 25th फ्रॉम द बॉटम, अ टोटल हाउ मेनी पार्टिसिपेट स्टूड बिटवीन द श्रुति एंड द बरखा, आपको बताना है, जल्दी करिए। यस सर, डी मोहित, सबसे पहले आंसर आया मोहित का 37, ओके मोहित का आंसर सबसे पहले आया। दिव्या यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू दिव्या। चलिए सब लोग आंसर बताइए फटाफट, सारे टाइप कल सॉल्व किए थे, वर्णित स्वागत है, कीर्ति, भास्कर सबका 37 आ रहा है, 37, मोहम्मद समीन 37, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, सेशन को आप लाइक शेयर करिए, बस मेहनत पूरी मेरी रहेगी, ओके ऑल गुड। चंद्रेश थोड़ा सही करिए, 38 ऑप्शन ही नहीं है बेटा। अंजलि डी 37, ऑल गुड, सबका बढ़िया जा रहा है, 100% रिजल्ट जा रहा है सेशन का। सोनू, सागर बहुत बढ़िया, समिष्ठा, अदिति, यतीन्द्र ए, ओके बेटा ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर, कह रहा है इन अ स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन, हमें मालूम है कि 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें बेटा, 75% ने पार्टिसिपेट किया है, तो कह रहा है स्थिति पोजीशन वाज 13 ऑफ द टॉप। देखिए टॉप का मतलब क्या हो रहा है, अगर इसको हम लोग टॉप से मेजर करेंगे तो स्तुति यहां पर
13 पोजीशन पर है, यानी टॉप से काउंट करने पर 13 पोजीशन पर है हमारे पास, क्लियर है। अब बरखा स्टूड और बरखा यहां पर 25th पोजीशन पर है नीचे से एट द बॉटम, तो बरखा यहां पर नीचे से 25th पोजीशन पर है। तो आपको बताना है अ टोटल हाउ मेनी पार्टिसिपेट्स स्टूड बिटवीन द स्तुति एंड द बरखा। तो देखिए सबसे पहले यहां पे काउंट कर लीजिए कुल कितने लोग यहां पर सिट कर चुके हैं, प्रॉपर बैठ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि 25 नीचे हो गए और 13 यहां पर हो गए, तो टोटल हमारे पास 38 लोग बैठ चुके हैं। बताइए 75 में 38 लोग बैठ चुके हैं बेटा, 75 में 38 लोग बैठ चुके हैं, तो बचे कितने हैं हमारे पास। देन योर आंसर इज 75 में हम माइनस कर दें 38, देखिए प्लस माइनस का खेल है टोटल, देन योर आंसर इज 37, सिंपल आंसर है 37, तो ये इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक जिन बच्चों का हल्का सा भी डाउट था वो सही हो जाएगा, मिस प्रिंट सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं चंद्रेश, उम्मीद है मुझे सही आंसर किया आपसे। जंप करूं फटाफट, क्लियर हो गया सभी को, फटाफट रिप्लाई करिए बेटा, फटाफट रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, काफी काफी सारे लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में रहे, जल्दी बताइए क्लियर हो गया है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करें। गोपाल, विपिन, सिया, दीपक, बताइए बेटा। यस सर, अदिति क्लियर सर, बहुत बढ़िया। चलिए जब सबको क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले फिर एक क्वेश्चन आया सेम, फिर क्वेश्चन आया कह रहा है इन द नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज इंटरचेंज विद द लास्ट नंबर। बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, इफ द फर्स्ट नंबर इंटरचेंज विद द लास्ट नंबर, द सेकेंड नंबर इंटरचेंज विद द सेकेंड लास्ट नंबर, एंड शो ऑन द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर सेल रिमेनिंग द सेम। कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि रिमेन बिल्कुल कॉन्स्टेंट ऊपर नीचे सेम वैल्यू पर होंगे। यस सर, दिलीप, सिया, बढ़िया। बताइए फटाफट, पानी पिला दे। नन सागरिका, सबसे पहले आंसर आया सागरिका का, ओके रख दें, सागरिका का आंसर आया 1, ओके। दुर्गा ऑप्शन बी, ठीक है। सृष्टि, ऋषभ, मोहित, फुल अटेम्प्ट करिए, टेक योर टाइम, पूरा टाइम लीजिए अपना, ठीक है। टाइम लग रहा है डजंट मैटर, पूरा टाइम लीजिए अपना, बट आंसर पहली बार में सही बताइएगा, आंसर पहली बार में सही बताइएगा। ओम प्रसाद, स्वागत है बेटा, समीक्षा डी 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 डी, ऑल एवरी वन गोज टू डी, सभी डी के पास जा रहे हैं, ठीक है। मेरा मोटो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कराना है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट करिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग से, मान के चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आई थिंक सबका डी जा रहा है, सुमन सी, ओके। सुरस मिश्रा, स्वागत है बेटा। मुकेश, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास जो ओरिजिनल डिजिट है 2190453783 ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज करते हैं लास्ट नंबर से, यानी कि फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज करते हैं हम लोग लास्ट वाली से, तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, इंटरचेंज हो गया हमारे पास। देन सेकेंड को सेकेंड लास्ट से, तो 8 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया, तो आपने 3 8 2 1 इनको इंटरचेंज कर लिया। जिनको इंटरचेंज करते रहिए उन्हें आप कैंसिल करते रहिए। 9 और 7, तो 7 यहां पर आ गया, 9 यहां पर आ गया, 0 and 3, तो 3 यहां पर आया, 0 यहां पर आ गया, देन 5 इधर एंड 4 इधर। सिंपल था हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। देखिए इंटरचेंज,
इंटरचेंज किया बेटा, जब इंटरचेंज कर लिया है अब आपको खाली ये मेंशन देखना है, ये देखना है कि कितनी डिजिट हैं जो ऊपर नीचे से सेम हो रही हैं। तो देयर इज नन एनी डिजिट, कोई भी डिजिट सिंगल भी ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे मैच कर रही है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सागरिका थोड़ा सा चेक करिए बेटा, चलिए आई थिंक आ गया है, फटाफट बताइए सागरिका। नन, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है, फोकस करिए सभी लोग। नो वन विल सेम, बिल्कुल सही शिवाय, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है, जंप करें फटाफट। सभी को क्लियर हुआ बेटा, थोड़ा सा टाइम लेते इसलिए है ताकि हम जब क्वेश्चन चेंज करते थे फिर बच्चे पूछते हैं कि सर बता दीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं, ठीक है ना। क्लियर है सर, बिल्कुल ओके रितिका, क्लियर है, चले तो आई थिंक क्लियर हो गया अभी ये। इसके बाद चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन स्पोर्ट डे इन अ स्कूल एट स्टूडेंट टू पार्ट इन अ रेस, दे वर ऑल मेड टू द स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन, सुमित वॉज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड एंड देयर आर द थ्री स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन द सुमित एंड रितेश, बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रितेश फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। बताइए मुकेश, कंप्यूटर लैंग्वेज, दुर्गा, सृष्टि, विपिन, रोहित, बताइए बेटा सॉल्व करिए। बढ़िया, नाइन्थ, ओके ओके भास्कर, सबसे पहले आंसर आया भास्कर का, सबसे पहले आंसर आया भास्कर का। कोशिश करिए कि सबका नाम यहां पर मेंशन हो, भास्कर का आंसर था नाइन्थ, ओके। ओम प्रसाद, गोपाल, सागरिका, नन, ठीक है ठीक है। तेजस्विनी, मिनाज, ऋषभ, ठीक है, अगर नन ऑप्शन है देन यू हैव टू टेल मी, ठीक है, किसका सही आंसर क्या होगा। बेस्ट टीचर विद एटीट्यूड, ओके थैंक यू दिव्या। वर्नीत, कीर्ति, अगर आंसर गलत है, नन आ रहा है, देन यू हैव टू टेल मी, आपको बताना पड़ेगा किसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। नाइन, शुभम सिंह, बढ़िया, कंप्यूटर, ठीक है, मिथुन, नंदिनी, ओके, नाउ इट्स माय टर्न, ठीक है, अब मेरी बारी है। कह रहा है ऑन ए स्पोर्ट डे एट स्टूडेंट टुक पार्ट इन अ रेस, तो आपको पता है कि एट रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे वर ऑल मेड स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सारे स्ट्रेट लाइन पर खड़े हैं, तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात देन आठ, क्लियर है, तो ये हमारे पास टोटल आठ लोग हो गए, ये हमारे पास टोटल आठ लोग हो गए बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, सुमित वॉज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, सुमित जो है वो राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन पर खड़ा है, तो मैंने कल बताया था ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो सुमित राइट से फिफ्थ पोजीशन पर है, मींस वन टू थ्री फोर फाइव, बेटा यहां पे कहीं सुमित होगा फिफ्थ पोजीशन पर, इज दैट क्लियर, एक दो तीन चार पांच यहां पर है कि नहीं बताइए, सुमित है। अच्छा अब कह रहा है एंड देयर आर थ्री स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन द सुमित एंड रितेश, सुमित और रितेश के बीच में तीन लोग बैठे हैं। बेटा अगर यहां से काउंट करते तो तीन ही लोग बैठ पा रहे हैं, तो यानी कि यहां पर रितेश बैठ ही नहीं पाएगा, अगर यहां पे काउंट करें तो एक दो तीन लोग इधर हो गए और लास्ट में रितेश यहां बैठ जाएगा कि नहीं बैठेगा, बताइए फटाफट, रितेश बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अब सुमित और रितेश के बीच में तीन लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए, ऑल गुड। अब कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रितेश फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आपको रितेश की पोजीशन बतानी है, आपको रितेश की पोजीशन बतानी है, वो भी लेफ्ट एंड से बतानी है, देन काउंट करिए वन टू थ्री फोर,
मैं लिख दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 8. क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, वो 8th आ रहा है. क्या आ रहा है? 8th आ रहा है हमारे पास. तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है मोहम्मद समीन, 8th सी या 8th. यस सर, क्लियर हुआ. कुछ नहीं करना, देखिए आपको मैंने बताया है राइट साइड से सुमित पांचवें पोजीशन पर था, 1, 2, 3, 4, 5. अब सुमित और रितेश के बीच में तीन लोग बैठे हैं. तो बेटा अगर यहां पर टोटल हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं, तो तीन लोग यहां तो सेट हो पा रहे हैं. इसका रितेश यहां नहीं बैठेगा. रितेश को यहां बैठाया तभी उनके बीच में तीन लोग बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं. अब आपको क्या करना है, केवल आपको यह बताना है कि रितेश लेफ्ट हैंड से किस पोजिशन पर है. बताइए फटाफट. आ गया, रिप्लाई करिए. मेरा सही है सर. मुकेश बिल्कुल सही है आपका. रिप्लाई करिए. आ गया बेटा, मेरा सही है सर. मुकेश मुकेश सही होना चाहिए. अंजलि, भास्कर, उम्मीद है बेटा मुझे सही आंसर आप आपसे. दिव्या, यस. रिचा, यस सर, क्लियर. ओके, डजंट मैटर. ठीक है शिवम, यस सर. ओके, नाउ चेंज द क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा अ सर्टेन नंबर ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. अरुणिमा इज द 19th फ्रॉम द राइट एंड एंड द अरुण इज द 15th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन. Both Arunima and Arun interchange the position, after which Kritika, who was the 24 from the left end, is now at the 5th position of the left to Arun. New position, how many people are there in the line of total? आपको बताना है बेटा. चलिए, क्वेश्चन का लेवल नहीं नीचे होगा, मैंने फिर से बताया था. टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, फिर आंसर बताइए. डजंट मैटर, टाइम लग रहा है, सही आना चाहिए. बहुत आराम से करिए. A certain number of people standing in the straight line. Concept पूरा पता है आपको, कुछ भी नया नहीं है बेटा. दुर्गा 47 आंसर, सबसे पहले आंसर दुर्गा का आया. ओके, नाउ अभिषेक, ऋषभ, ओके, एनीथिंग एल्स, और कोई बेस्ट है बताइए. तेजस्विनी, पूरा टाइम लीजिएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है, मैं वेट कर सकता हूं. ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं है सर, पता लग नहीं पा रहा है. एक बार उसको कॉन्सेप्ट, राजेश्वर ठीक है बेटा, एक सौ कॉन्सेप्ट कर दीजिए. ओके, एक बार और बिल्कुल कर दे रहे हैं. मिनहाज, दिव्या, मिनहाज 47, ठीक है. भास्कर 47, गुड. दीक्षा 47, आई थिंक. जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है, डजंट मैटर आपका आंसर सही आया या गलत आ रहा है, आप उसको मेंशन करिए, ठीक है.
हम देखें कहां मिस्टेक हो रही है आपसे। आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया है, कंफ्यूज हो गए सर, कोई बात नहीं सिया, इसीलिए मैंने बोला था ना क्वेश्चन का लेवल बिल बहुत अच्छा है, आप देखेंगे समझेंगे देन यू हैव टू टेल, तब आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर क्वेश्चन का आंसर कैसा लेवल चल रहा है। ठीक है, अब बस अभी देखते जाइएगा, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है भास्कर। ओके चले, कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। सर के वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग था और आज वालों में अलग है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ना कि बेटा कुछ ना कुछ आपको नया देते रहेंगे, कभी भी बहुत ही कम चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी, अदरवाइज हर चीज आपको नई नई बेस पर मिलती रहेगी। सर क्वेश्चन के सामने से जाया करिए प्लीज। ओके बेटा ठीक है, नहीं आ रहा सर, देखिए चलिए अब बताते हैं। फर्स्ट लाइन में कंफ्यूजन, कुछ नहीं करना है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, डजंट, इसका मतलब बेटा ये सारे लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ देख रहे हैं बेटा, तो आपको बस ये पता करना है कि अगर कोई पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट और राइट हैंड कहां पर होगा। अगर ये बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहां पर इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। इज दैट क्लियर कि नहीं बताइए। अगर ये बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। क्लियर है, बताइए फटाफट बताइए, क्लियर है कि नहीं फटाफट बताइए। जल्दी बताइए वाले कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट बताइए। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल देखिए बस देखते जाइए आप। क्या बताया मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया, अब आप राइट एंड लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन समझ जाएंगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी, ठीक है इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं। चलिए अब देखिएगा क्या बताया था, ये एक लाइन है तो सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि अरुणिमा इज द 19th फ्रॉम द राइट एंड, जो अरुणिमा है वो राइट एंड से 19th पोजीशन पर है। देखिए राइट एंड यही होता है, ये 19th पोजीशन पर है और अरुणिमा, देखिए अरुणिमा एक गर्ल्स है इसलिए मैंने इसको सर्कल फ्रेम कर दिया ताकि आप समझ जाइए ये गर्ल्स है। ठीक है चलिए, एंड अरुण इज एट द 15th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और अरुण जो है वो लेफ्ट एंड से 15th पोजिशन पर है। कौन, अरुण। देखिए दोनों के नेम का अल्फाबेट सेम है इसलिए यहां पर मेल एंड फीमेल में आप कम देख सकते हैं। ठीक है इसलिए मैंने यहां पर किया। अब कह रहा है बोथ अरुणिमा एंड अरुण इंटरचेंज द पोजिशन, लाइन बाई लाइन देखिएगा बेटा, यानी ये इधर आ जाती हैं और ये इधर चले जाते हैं। तो अरुणिमा जो कि गर्ल्स है वो इधर आ गई और अरुण जो कि बॉयज हैं वो इधर आ गए। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। आफ्टर विच, इसके बाद से देखिए कंडीशन अप्लाई हो गई, कंडीशन क्या अप्लाई हो गई यहां से, कह रहा है आफ्टर विच इसके बाद कृतिका, एक नया नाम मेंशन हो गया कृतिका, हु वॉज द 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कृतिका जो कि लेफ्ट एंड से, कृतिका जो कि लेफ्ट एंड से तो 24th पोजीशन पर है, अब वो 5th पोजीशन लेफ्ट हो गई है अरुण की नई पोजीशन से। तो बेटा अरुण की नई पोजीशन तो ये है कि नहीं बताइए, ये अरुण की न्यू पोजीशन है, ये अरुण की न्यू पोजीशन है और कृतिका लेफ्ट से 24th पोजीशन पर है, 24th पोजीशन पर कृतिका आ गई है। बताइए तो कृतिका को आपने 24th पोजीशन पर लेफ्ट पर बैठा दिया है और ये अरुण की नई पोजीशन से 5 पोजीशन लेफ्ट साइड बैठी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 5 लोग सेट होंगे कि नहीं होंगे, बताइए बेटा। तो यहां पर 24, 25, 26, 27, 28 और 29 पोजीशन, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कृतिका 5 पोजीशन पर 29 पर आ जाएगी कि नहीं आएगी, बताइए बताइए। अगर कृतिका को 5 पोजीशन हम राइट साइड फॉरवर्ड कराएंगे तो ये 29th पोजीशन पर आ जाएगी।
अब आपको अरुण की 29th लेफ्ट से पता है और राइट से पता है पोजीशन, आपको एक ही पर्सन की लेफ्ट एंड राइट दोनों के तरीके से बेटा पोजीशन कंफर्म हो गई है। और जब ये कंफर्म हो गई है तो आपको टोटल लोग निकालने हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 प्लस 29 माइनस 1 बेटा, क्योंकि अरुण को आपने लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से काउंट किया है इसलिए माइनस 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 234 माइनस 1 देन योर आंसर इज 47। चलिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए बेटा, चार लोग इसका मतलब है कि पांचवें पोजीशन पर वो खुद बैठा है। अब अगर यहां से देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 तो हम कह सकते हैं कि कृतिका अरुण से पांचवी पोजीशन पर है, ठीक है ना शुभम? आई थिंक आ गया होगा दुर्गा, बिल्कुल सही आंसर है, दुर्गा का सबसे पहले आंसर आया है, क्लियर है सर? बताइए जिसको अभी हल्का सा भी डाउट है, बेटा मैं पूरा वेट कर रहा हूं क्वेश्चंस का, हल्का सा भी डाउट है तो फटाफट इसको पूछिए पहले। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उलझाऊ थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना सर? एक मिनट, एक माइनस क्यों किया नंदिनी? बेटा आपने कल की क्लास में भी शायद नहीं देखी है, आप उसको देखिएगा। अगर एक पर्सन को आप लेफ्ट, मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है, अगर इसको आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट करते हैं, आप लेफ्ट से भी काउंट कर रहे हो राइट से भी काउंट कर रहे हो, तो टोटल में आप माइनस वन करेंगे तभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आएंगे। रिपीट क्लियर, थोड़ा फिगर बनाकर रिपीट क्लियर थोड़ा, ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। कृतिका की पोजिशन चेंज नहीं हुई क्या बेटा? कृतिका ने बस हमको ये हिंट मिली है कि कृतिका अरुण के लेफ्ट में पांच पोजीशन पहले बैठी है बेटा। चलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आप दोबारा देखिए इसको, ठीक है? अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता रहा हूं। चलिए देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। चलिए इसमें समझने में 5 मिनट लगेगा सर, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, ये मान चलिए आप ना, इसीलिए प्रैक्टिस यहां पे करा रहे हैं। मेरा मोटो यहां पर सिर्फ पैटर्न शो करने का है, पैटर्न यहां पे शो करा देता हूं, आप इस पर बेस्ट क्वेश्चन घर पे लगा सकते हो आप, ठीक है? चलिए दोबारा देखिए, ये हमारे पास लाइन है, कह रहा है कि सबसे पहले अरुणिमा की बात करते हैं जो कि लेफ्ट राइट एंड सर है और 19th पोजीशन पर है, तो हमने यहां पर अरुणा को 19th पोजीशन पर सेट कराया। अरुणा बेटा गर्ल्स थी इसीलिए मैंने सर्कल फॉर्म कर दिया, क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सही, ये उन बच्चों के लिए जिनको भी हल्का सा डाउट है, ठीक है? बाकी सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट जो बच्चे खाली हो गए। अब यहां पे कह रहा है अरुण 15th पोजीशन पर है लेफ्ट एंड से, तो यहां पर अरुण बैठ गया, देखिए अरुण है यहां पर और 15th पोजीशन पर, एज यूजुअल जैसा क्वेश्चन ने बोला है आपने कर दिया है, छाया बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हुआ है देखिए, इसके बाद उसने इन लोगों ने आपस में इस पोजीशन चेंज कर ली है। पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या हुआ है, पोजीशन वॉज चेंज बट पर्सन एज इट इज फिर क्यू माइनस, बताते हैं बेटा देखिए क्यों माइनस किया। यहां पर अब अरुणिमा आ गई और ये आ गए हमारे अरुण, ठीक है? बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, अब आफ्टर विच मेन लाइन यही शुरू होती है, इसके बाद ये नेवी में आता है बेटा, आते हैं बट इतने हाई लेवल नहीं आते हैं, आपके में थोड़ा सा आता है, ठीक है? इसके बाद कृतिका 24th पोजीशन ऑफ द लेफ्ट, सबसे पहले आप कृतिका को लेफ्ट से 24th पोजीशन पर सेट कर दीजिए बेटा, तो यहां पे कहीं सेट हो गई मान लीजिए। अब वो बड़ा आगे भी सकती थी, 24 यहां भी हो सकता था, लेकिन उसने एक लाइन बोल दी है कि वो अरुण की न्यू पोजीशन से 5 पोजीशन लेफ्ट पर बैठी है, तो बेटा ये अरुण की न्यू पोजीशन है, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ये अरुण की न्यू पोजीशन है, अरुण की न्यू पोजीशन से 5 पोजीशन लेफ्ट में बैठी है कृतिका, तो 5 पोजीशन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5वीं पोजीशन पर खुद बैठ गई है। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए? आप अगर मैं आपसे कह दूं है कि आप अरुण के लेफ्ट साइड से पोजीशन बता दीजिए, तो यहां तक तो 24 लोग हो गए, 25 26 27 28, तो यानी कि अगर आपको अरुण की लेफ्ट साइड से पोजीशन फाइंड करनी पड़ जाए
तो आप निकाल सकते हैं कि 29 हो जाएगी, बताइए इज दैट क्लियर कि नहीं। अब आपको अरुण की लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है 29 और राइट साइड से पोजीशन पता है 19, ये तो आपने यही देख लिया है, ठीक है ना। तो अगर ये अब दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों मिल गए हैं तो आपने इसको निकाला 48, क्योंकि इनको डबल बार काउंट किया गया है इसलिए -1 किया गया है, तो आंसर इज 47। नाउ अब मुझे लगता है कि किसी को भी डाउट नहीं होगा, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा, जल्दी बताइए। अगर है डाउट तो पूछिए। ऑसम सर, थैंक यू बेटा, क्लियर है, क्लियर सागरिका तेजस्वनी, क्लियर यस सर, क्लियर क्लियर यतीन्द्र, ओके नो डाउट, ओम प्रसाद ठीक है, सृष्टि थैंक यू बेटा, वेरी गुड। सेशन कल की तरह रनिंग कर रहा है, अब क्लियर हुआ है सर, बिल्कुल क्लियर होगा, डाउट है पूछते रहिए, डजंट मैटर, मुझे दो बार बताना पड़ रहा है, तीन बार बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइप के हैं ये मान के चलिए बेटा, कल की क्लास तो खाली प्रोमो था, पिक्चर तो आज शुरू हुई है, कल की क्लास प्रोमो थी, पिक्चर आज शुरू हुई है। सर योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज ऑसम, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू थैंक यू दीपक रियान, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया है, सॉल्व करिए। रिचा नो डाउट सर, सिया नो डाउट, थैंक यू रिचा, सिया, दीपक, रियान, नंदिनी, शुभम, क्लियर, फटाफट आंसर बता दीजिए। अब सबका नाम यहां पर मेंशन होना चाहिए, कोशिश करिए सभी लोग आंसर बताइए। चाय की चुस्की आवाज आ रही है सर, बेटा सुबह से तीसरी चौथी क्लास है, गला बैठ जाता है। पिक्चर हिट है, थैंक यू शिवाय, हिट तभी है बेटा जब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, विदाउट यू आई एम नथिंग, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। फटाफट आंसर बता दीजिए। अब गोपाल, गोपाल का आंसर आया सबसे पहले, आई थिंक भास्कर बहुत पीछे, कौन सा आंसर बता रहे हो बेटा, गोपाल का आंसर आया है, आई थिंक गोपाल बिल्कुल सही आंसर होगा इस बार आपका, 7 ओके गोपाल, नहीं बेटा फर्स्ट वाला ही मेंशन किया जाएगा, नेहा, गोपाल, मोहम्मद, राहिल ठीक है, ओम प्रसाद ठीक है, 5 5 5 5। समीक्षा ठीक है, बस कॉन्सेप्ट देखिए, डजंट मैटर क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये मत देखिए, आपको आता है बस ये जानिए आप, इसमें तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रखे हैं। कह रहे इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट आर मेड टू स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन वन आफ्टर द अदर बेस्ड ऑन देयर हाइट, देयर आर द 10 पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड प्रतीक, प्रतीक के पीछे 10 लोग हैं एंड आगे 15 लोग हैं, इन द सेम लाइन, सेम लाइन 17 लोग आर स्टैंडिंग पीछे हैं तरुण के और 8 लोग आगे हैं तरुण के, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने लोग तरुण और प्रतीक के बीच में है, बेटा तुरंत आ जाएगा। चले अब मेरी बारी है, इस नाउ इट्स माय टर्न, अब मैं बताता हूं। सबसे पहले एज यूजुअल देखिए यहां पे दो लाइन समझाते हैं आपको, पहली लाइन है हमारे पास, पहली लाइन में प्रतीक खड़े हैं, पहली लाइन में प्रतीक खड़े हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 10 पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड प्रतीक, प्रतीक के पीछे 10 लोग हैं, ओके नाउ 15 पर्सन इन फ्रंट ऑफ प्रतीक, तो 15 लोग यहां पर हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है,
आप ये बताइए बेटा, आप ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, बस इतना बताइए पहले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। 26, बढ़िया 26, बहुत बढ़िया। तो एक आंसर ये क्लियर हो गया, अगर टोटल नंबर पूछता है तो भी आप बता सकते हो, क्लियर है। चलिए अब अगर इसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम कह रहा है प्रतीक कहां पर है, ठीक है, तरुण हो गए, कह रहा है कि इन द सेम लाइन 17 स्टूडेंट स्टैंडिंग बिहाइंड द तरुण, तरुण के पीछे 17 लोग हैं और आगे 8 लोग हैं। देखिए यहां भी टोटल करने पर 26 आ रहा है, गुड। अरे बात बताइए, अगर प्रतीक की पोजीशन, सॉरी चला गया, यहां पर प्रतीक थे स्टैंडिंग बिहाइंड 10, 15, और ये हमारे पास है तरुण, तरुण के पीछे 17 और आगे हैं 8। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर प्रतीक की लास्ट से पोजीशन निकाली जाए, लास्ट से, तो लास्ट से प्रतीक किस पोजीशन पर है, देन योर आंसर इज 11। तो लास्ट से प्रतीक 11 पोजीशन पर है कि नहीं बताइए, और लास्ट से तरुण 18th पोजीशन पर है। तो अगर अब मैं एक लाइन ही क्लियर बना रहा हूं, देखिए बड़ी लाइन है, नेटवर्क प्रॉब्लम यहां बहुत है सर, नियति कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप वीडियो बाद दे सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए। अब देखिए तो लास्ट पोजीशन पर प्रतीक 11वें नंबर पर है और तरुण लास्ट से 18वें नंबर पर है, यही तो कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारे पास कि लास्ट से यहां पर प्रतीक है 11वें पर और तरुण है हमारे 18वें पर, तो इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं आपको यह बताना है, तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, क्लियर है हमारे पास। तो जब इसको माइनस कर दिया हम लोगों ने, आप देखिए जब यहां पर इसको माइनस कर देंगे तो 18 माइनस 7, तो टोटल 7 लोग कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन स्टैंडिंग बिटवीन तरुण एंड प्रतीक, ठीक है ना, ओके वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल, मिनाज, मोहम्मद, दीपक, ठीक है, दीक्षा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बताइए, डन सृष्टि, अखिलेश सर नहीं समझ में आया, ओके अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, परेशान मत होइए सर, बहुत अच्छे से आया है, ओके थैंक यू स्नेहा, अगर डाउट है किसी चीज को तो मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है सर, इन बिटवीन फिर काउंट करके बताइए, ओके बेटा इसको मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, उस पर फोकस मत करिए बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई डाउट रहा है तो मैं बता दूंगा। PNT बिटवीन 6 हो रहा है, ओके चलिए मैं देख लूंगा उसको। 105 सागरिका का आंसर सबसे पहले आया है, सागरिका का आंसर सबसे पहले आया 105, ओके कोई और, चलिए बताइए 85 आंसर, ऋषभ गुड ठीक है,
रौनक 105 ओके मिनहाज 90 85 आंसर शिवाय नन ठीक है नन है शिवाय तो आंसर क्या होगा बताइए अगर नन है तो आंसर क्या होगा वो बताइए 86 ओके नन होगा तेजस्विनी चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट कह रहा है इन अ क्लास देर आर 150 स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ गर्ल्स तो अगर आप गर्ल्स को कुछ देर के लिए देखिए अगर आप गर्ल्स को कुछ देर के लिए एक्स मान लीजिए तो बॉय हमारे पास कितने हो जाएंगे तो बॉयज की नंबर हो जाएंगे 2x आई थिंक क्लियर है ठीक है ना अगर हमारे पास गर्ल्स एक्स हैं तो बॉयज 2x हो जाएंगे और टोटल कितने हमारे पास 150 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 150 देन 3x इज इक्वल टू 150 देन x इज इक्वल टू 50 ये क्लियर हो गया हमारे पास तो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हो जाएंगी 100 एंड बॉयज हो जाएंगे हमारे पास 100 गर्ल्स हो जाएंगी 50 क्लियर है यहां तक आ गया यहां तक आया क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है कोई दिक्कत नहीं है मैं इसीलिए कोशिश करता हूं मैं आंसर क्वेश्चन को पहले खुद रिपीट कर देता हूं बेटा हिंदी में ठीक है ना अब तो थोड़ा सा और कर दूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 50 नंबर ऑफ बॉयज कितने है? हमारे पास 100 ठीक है ये तो क्लियर हो गया कह रहा वन ऑफ द बॉयज करण रैंक 25 फ्रॉम द टॉप अब देखिए टॉप का मतलब ऊपर से है हमारे पास ठीक है करण जो कि टॉप से 25th पोजीशन पर है ये करण है जो कि टॉप से 25th पोजीशन पर है एंड ओनली 10 गर्ल्स आर अहेड इसके आगे केवल 10 लड़कियां हैं तो बेटा अगर ये 25th पोजीशन पर है तो 24 लोग इसके आगे बैठे होंगे बताइए तो 25th पोजीशन पर अगर ये खुद है तो इसके आगे 24 लोग बैठे होंगे और उन 24 लोगों में कितनी गर्ल्स हैं 10 गर्ल्स हैं तो इन 24 में 10 गर्ल्स हो जाएंगी और 14 बॉयज हो जाएंगे बताइए 10 गर्ल्स हो जाएंगी और 14 बॉयज हो जाएंगे आपको बताना है हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर हिम कितने बॉयज उसके पीछे बैठे हैं तो देखिए 14 लड़के ये हो गए और 15वां खुद करण हो गया करण भी तो बॉय है 14 लड़के ये उसके आगे बैठे हैं 15वां खुद करण हो गया अब 100 में 15 माइनस कर दें मींस 15 माइनस कर दें तो कुल कितने 85 बॉयज हैं जो कि करण के पीछे बैठे हैं 85 बॉयज हैं जो कि करण के पीछे बैठे हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आई थिंक क्लियर हो गया ये सागरिका चेक करिए थोड़ा सा आंसर है ना प्रॉपर टाइम लीजिए पर आंसर पहली बार में सही बताइए किसी को डाउट है बताइए बेटा क्लियर हो गया ओके सर 85 बॉयज आफ्टर करण 40 गर्ल्स आफ्टर करण ठीक है हाँ 40 गर्ल्स हो जाएंगी रौनक बिल्कुल सही है अभी किसी को डाउट है बेटा बता दीजिए क्वेश्चन को मूव ऑन करने पर फिर वापस आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्लियर है आगे बढ़ा जाए बताइए फटाफट जल्दी बताइए सर नो डाउट ओके यहां पर बताइए सृष्टि ओके सर नो डाउट क्लियर है सृष्टि हिना सिद्धार्थ रितिका सोहम रवि दिव्या आई थिंक सबको क्लियर हो गया यहां पर ठीक है चलिए अगले सवाल की बात करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके सेव हो गया ये है हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चले
बताइए बेटा। कह रहा 60, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कह रहा 68 पीपल आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। 68 लोग एक सीधी लाइन में बैठे हैं जो कि नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। साक्षी इज द 17 फ्रॉम द राइट एंड, साक्षी राइट एंड यानी दाएं तरफ से 17वें नंबर पर है और समीक्षा बाएं तरफ से 22वें नंबर पर है। सिद्धि एग्जैक्टली दोनों के बीच में बैठी है, तो आपको बताना है उन दोनों के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द एंड, तो आपको बताना है सो व्हाट विल बी द पोजीशन सिद्धि, तो सिद्धि की पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सी होगी। आई एम न्यू हियर कुंदन, योर टीचिंग टेक्निक इज बेस्ट, थैंक यू कुंदन। प्रीवियस क्वेश्चन, गोपाल परेशान मत होइए बेटा, मैंने आपसे बोला था जैसे मैंने कल लास्ट में सारे डाउट क्लियर किए थे मैं आज भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए बेटा। पर जो फोकस है उसको देखिए, पहला आंसर किसका आया है, ऋषभ दीक्षा, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, डजंट मैटर, दुर्गा लेफ्ट, लेफ्ट साइड से बताना है, ठीक है। तेजस्विनी भास्कर बताइए बेटा, 37 सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए इस बार। सागरिका 37, भास्कर, तेजस्विनी, रवि आंसर बताइए बेटा, जल्दी बताइए। ओके विकास, ठीक है, वेरी गुड। दिव्या 37, रौनक ए 37, चंद्रेश ऑल गुड, बढ़िया। अगर सबका 37 आ रहा है तो मुझे भी मानना पड़ता है कि आंसर 37 ही होगा, ठीक है ना, मुझे भी इनके आंसर नहीं पता है बेटा। चलिए अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अरमान बी, स्नेहा सर आप ग्रेट हो, थैंक यू दिव्या, सृष्टि 45, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है 68, 68 लोग एक लाइन में बैठे हैं, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है साक्षी इज द 17 फ्रॉम द राइट एंड, साक्षी जो है वो राइट एंड से 17th पोजीशन पर है, आई थिंक क्लियर है, सिंपल है। समीक्षा 22 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखिए समीक्षा जो है वो लेफ्ट एंड से, समीक्षा ये समीक्षा है, ठीक है, समीक्षा लेफ्ट एंड से 22 पोजीशन पर है, 22nd पोजीशन पर है, ठीक है। कह रहा है सिद्धि सिट एग्जैक्टली बिटवीन साक्षी एंड समीक्षा, देखिए अब कह रहा है, नहीं आ रहा है सर, आएगा देखिए, सॉरी सर आज लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया वीडियो का, मे बी शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, पर अभी देखिएगा अब आएगा बिल्कुल। कह रहा है यहां पर कि इन दोनों के ठीक बीच में सिद्धि बैठी है ना, ये सबका नाम एस से आ रहा है, तो ये कौन थी हमारे पास, ये थी साक्षी, समीक्षा एंड सिद्धि, अब आएगा देखिएगा। आप सबसे पहले ये बताइए कि यहां से यहां तक टोटल 17 लोग बैठ चुके हैं, यहां से यहां तक टोटल 22 लोग बैठ चुके हैं और ये बैठ गई सिद्धि, तो 22 17 और 1 कुल कितने लोग बैठा लिए आपने लाइन में, ये बता दो खाली, तो 7 2 9 1 10 2 1 3 और 1 4 टोटल आपने 40 लोगों को बैठा लिया बेटा, 68 में 40 लोग बैठ गए तो 28 लोग बचे कि नहीं बचे बताइए, 68 में 40 लोगों को आपने बैठा लिया तो 28 लोग बैठे कि नहीं बैठे, यही 28 लोगों तो यहीं से इन दोनों के बीच में बैठेंगे, तो 14 लोग यहां बैठ जाएंगे, 14 लोग यहां बैठ जाएंगे और ठीक इन दोनों के बीच में सिद्धि बैठी है बताइए। यही क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्धि ठीक समीक्षा और साक्षी के बीच में बैठी है, तो गुड क्लियर है कि नहीं बताइए फटाफट। अब देखना है हमको यहां पर कि सिद्धि लेफ्ट साइड से किस पोजीशन पर है, तो लेफ्ट साइड से आने पर सबसे पहले ये 22 लोग काउंट करने पड़ेंगे, फिर ये 14 लोग काउंट करने पड़ेंगे और तब हम सिद्धि के पास पहुंचेंगे, तब सिद्धि को काउंट करेंगे, तो आंसर इज 37, तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड सिद्धि सिट ऑन द 37th पोजीशन, आई थिंक इसका आंसर नंबर ए सबका सही है।
फटाफट बताइए, दुर्गा 40 ऑप्शन ही नहीं है, फटाफट बताइए। शिवाय बिल्कुल सही है, अट्ठाईस लोगों ने मिडिल, दो लोग होने पर क्या सर, 28 लोगों में मिडिल तो दो नहीं बेटा। देखिए ऐसे कर लीजिए, अगर डाउट हो रहा है तो 22 यहां 17 यहां, टोटल 39 लोग बैठ गए। अगर 39 लोग बैठा दोगे तो हमारे पास बचेंगे टोटल 29 लोग, 29 में 14 इधर बैठा दो 14 उधर बैठा दो तो बीच में सिद्धि हो जाएंगी। आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आ गया चंद्रेश हिना, क्लियर है सर, कोई शॉर्ट ट्रिक? बेटा सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, मैंने कहा ना शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओगे पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका तो कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे। नियति नेहा, बैटरी लो हो गई सर? हाँ बेटा मे भी शायद आज चल जाएगी, नहीं तो चेंज कराते हैं। सागरिका जल्दी बताइए, ऑल क्लियर? चलिए तो फटाफट नेक्स्ट पे जंप करते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गए थे बीच में, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल है, सॉल्व कर चुके हैं सर। 40 वो रो में पहले, अच्छा ओके ओके। चलिए जिन लोगों ने क्लास को स्टार्टिंग से देखा होगा उसका आंसर फटाफट बता लेंगे। वैभव स्वागत है वैभव आपका, यस सर क्लियर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू रितिका, थैंक यू दिव्या, बेस्ट सर, थैंक यू सर, ऑसम क्लास सोहम, बिल्कुल सोनम बिल्कुल, क्लास तब ऑसम है जब आप लोग प्रॉपर हैं। शुभम नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया बेटा, आंसर बताइए फटाफट इसका। बस सर इन क्वेश्चन दे आर सेइंग सर कल का लेक्चर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है श्रीधर, एग्जैक्टली बिटवीन, बेटा एग्जैक्टली का मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर आप अगल बगल की पोजीशन काउंट करेंगे तो बीच में 29 लोग बैठ रहे हैं, अब 29 लोगों में आप 14 को हटा दीजिए, जो मिड पोजीशन है वही पोजीशन सिद्धि की थी। सर कल का लेक्चर अवेलेबल है, हाँ बेटा श्रीधर कल का लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको प्रॉपर देखिए, ठीक है ना। नंदिनी सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ठीक है। थ्री नंदिनी का आंसर सब हिना, हिना तेजस्विनी नंद, हिना का आंसर सबसे पहले आया है हिना, चलिए ऑप्शन नंबर थ्री, चलिए थ्री 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 ऑल गुड। वैभव ठीक है, सेवन सेवन ऑप्शन ही नहीं है वैभव। ओम प्रसाद क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है सेम पैटर्न है, अभी आपने सॉल्व किया तो ये भी सॉल्व कर लेंगे। ओम प्रसाद नीरज ए ठीक है, टेक योर टाइम, पूरा टाइम लीजिए, कोई गलती मत करिएगा बेटा। चलिए कह रहा है कि इफ द डिजिट नंबर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बस कुछ नहीं करना है, जो नंबर हम लोग स्टार्टिंग में असेंडिंग में किया था अब इसी को हम लोग डिसेंडिंग में सॉल्व करेंगे। 4 2 7 4 9 क्लियर है, 4 2 7 4 9 ठीक है सर, पहले मैंने दिया आंसर। ओके ऋषभ पहले आपने आंसर दिया है, चलिए ऋषभ आपका नाम भी मेंशन है ठीक है। चलिए फटाफट इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, क्या लिखा जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मुझे पता नहीं है, फटाफट बताइए इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 9, कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है, 9 9 9 देन 8 8 देन 7 7 ठीक है। मेरे पास यहां पर नोट है तो मैं देख सकता हूं, ठीक आप लोग कर चुके हैं इसलिए मैं हेल्प ले रहा हूं यहां पर, 4 4 4 देन लास्ट 3 and 2 आई थिंक, प्रॉब्लम नहीं किसी को, चलिए क्लियर है। बस अब आपको यह मैच करना है यहां पर कि कौन सी चीजें एज यूजुअल नीचे ऊपर मैच कर रही है हमारे पास, देखिए तो पहला तो यही मैच कर रहा है, ये बेकार हो गया ये बेकार हो गया, सेकंड ये मैच कर रहा है ये बेकार, ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, थर्ड फोर्थ वाला मैच कर रहा है ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, आपके एक
दो, देन लास्ट थ्री, तीन नंबर्स मैच कर रहे हैं ऊपर नीचे में, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका आंसर थ्री सही है। 984 ऋषभ बिल्कुल सही है, हिना, मुकेश, शिवाय, शिवाय टू, देखिए बेटा कहां गलती हुई है, देखिए दोबारा, अभिषेक, नियति, ठीक है ना। अब आपको पहले क्वेश्चन का पैटर्न मालूम पड़ गया था, इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा आई थिंक, ठीक है। फटाफट देखिए बेटा, 87 लोग क्लास को देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो सभी लोग ईमानदारी से देखिए, बताइए क्लास का सेशन कैसा है, कोई डाउट है पूछिए बेटा। आंसर इज थ्री, ओके, कुमकुम, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है ना। यतीन, ओके यतीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करें, नेक्स्ट पर जंप करें, फटाफट बताइए। सृष्टि, फटाफट, चार छूट गया था सर, उसी लिए गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं राजेश्वर, एक बार गलती हुई दोबारा नहीं होगी। जल्दी बताइए, नेक्स्ट पर जंप करें, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अनामिका, दीक्षा, नेहा, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दुर्गा, यस सर, चले, अंजलि, यस सर, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, थैंक यू, होगा बिल्कुल होगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सब हो जाएगा, फ्लेक्स, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, दीपक, अनुपम, यस, चिल करिए, रुपया ऐसा ही होगा। There are 10 people are standing in the straight line. 10 लोग एक straight line में खड़े हैं. There are twice the number of the people standing in front of the Anil as behind him. बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा. The number of people standing in front of the Ganesh is equal to the number of people standing behind Anil. And how many people are standing behind Ganesh? तो गणेश के पीछे कुल कितने लोग खड़े हैं? ऋषभ का आंसर है सबसे पहले 6, इस सब का आंसर सबसे पहले सेशन इज ऑसम, थैंक यू दुर्गा, अनुपम 6 है, 6, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देख के मत रिपीट करिएगा, अपने मन से लगाइएगा, मैं वेट कर रहा हूं, आपका नाम अनाउंस करूंगा जो जो आंसर देगा। चंद्रेश, दुर्गा, रौनक, अनुपम, अमित, गोपाल, ईशान, 4, ठीक है, ठीक है, ओके, अनामिका, दीक्षा, यतीन्द्र, सोनर, सोनार, ठीक है, विपिन, शिवाय, मोहम्मद, सब ऑल गुड, सब 6 के पास जा रहे हैं, चलिए फटाफट, अब मेरी बारी है ना। क्या 10 लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, इजली खड़े हो गए, कह रहा है देयर आर ट्वाइस नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अनिल, चलिए अनिल यहां पर कहीं है, यहां पे कहीं अनिल है, तो एक बात बताइए 10 में से अनिल स्टैंड कर चुका है, अगर 10 में से अनिल एक स्टैंड कर चुका है तो कुल कितने लोग बचे हमारे पास? देन योर आंसर इज द 9 पर्सन बचे हमारे पास। अब कह रहा है कि देयर आर ट्वाइस नंबर ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ अनिल, अनिल के आगे जितने लोग हैं, ठीक है, तो पीछे से ट्वाइस लोग आगे देख रहे हैं, तो अगर पीछे 3 लोग खड़े हैं तो आगे कितने लोग खड़े हैं? 6 लोग खड़े हैं, तो 6 + 3 = 9 and 1 = 10, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फटाफट बताइए। तो ये वाली लाइन समझ में आएगी नहीं आएगी फटाफट बताइए, इन फ्रंट ऑफ अनिल बिहाइंड। अब कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गणेश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड अनिल, यानी जितने लोग अनिल के पीछे खड़े हैं उतने ही लोग गणेश के आगे खड़े हैं। बेटा देखिए गणेश के आगे खड़े हैं, तो अगर यहां पर सेट कर ले हम लोग,
एक दो तीन चार पांच छह, फिर अनिल खड़े हैं, फिर एक दो तीन। देखिए गणेश के आगे तीन लोग हैं कि अनिल के पीछे तीन लोग हैं, तो आपको बताना है हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड गणेश, गणेश के पीछे कुल कितने लोग हैं। तो आंसर इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देन लास्ट 6, तो आंसर इज 6। इसका सही आंसर है 6, ऋषभ का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़िया ऋषभ, बढ़िया। तो बस अब लैंग्वेज क्वेश्चन का सेटअप था पूरा, आपको सेटअप पूरा देखना है देन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए सिक्स, बिल्कुल सही। आदर्श, कुमकुम, मोहम्मद, मुकेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर बिल्कुल सही। सर गणेश लाइन रिपीट, ओह शिट, सर प्लीज रिपीट वंस। चलिए रुकिए, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नहीं काफी क्वेश्चन छूट जाते हैं। रुकिए बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट। कह रहा है हमारे पास एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, अनिल यहां पर है, तो 10 में से अनिल खड़े हो गए, तो तीन लोग पीछे 6 लोग आगे, क्योंकि कह रहा है कि देयर आर ट्वाइस नंबर ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ द अनिल। अगर अनिल के आगे 6 लोग हैं तभी तो पीछे तीन लोग खड़े होंगे, तो देखिए 3 का 2 6 हो गया, इतने लोग अनिल के पास खड़े हैं। अब कह रहा है गणेश जो भी इसी लाइन में कहीं ना कहीं खड़ा है, गणेश भी इसी लाइन में कहीं ना कहीं खड़ा है, गणेश के आगे उतने ही लोग हैं जितने अनिल के पीछे हैं, है ना। गणेश के आगे उतने ही लोग हैं जितने के अनिल के पीछे हैं, तो अनिल के पीछे कितने लोग हैं, तीन, तो गणेश के आगे कितने लोग हो गए, चार, सॉरी तीन ये लोग हो गए, तो तीन लोग ये हो गए, चौथा गणेश हो गया, तो गणेश के पीछे कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, है ना। तो गणेश के पीछे कितने लोग हो जाएंगे, 6। तो आपको बताना क्या था, हाउ मैनी पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड द गणेश, गणेश के पीछे कौन है, कितने लोग हैं, 6। सर यहां पर अनिल का पोजीशन क्या है, फिर बेटा अनिल की पोजीशन निकालनी है तो यहां सर 7th पोजीशन पर खड़ा है आगे से, ठीक है ना। अनिल आगे से 7th है और लास्ट से 4th पोजीशन पर है। क्लियर आ गया ये, फटाफट बताइए। जिन बच्चों को डाउट था रिप्लाई करिए फटाफट, आया कि नहीं आया। क्लियर सर, क्लियर, ओके ओके। रौनक, शिवाय, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, बढ़िया। यस सर, क्लियर हो गया। रितिका, ओके बेटा फटाफट जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स जतिन एंड राकेश आर रैंक्ड 15 एंड 21 फ्रॉम द टॉप रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर रैंक्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। यस सर, क्लियर, ओके, दोनों तरफ मजा, वाह, क्लियर, क्लियर हो गया, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, फटाफट आंसर बताइए बेटा। बताइए फटाफट, यतीन सी, भास्कर, आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू दिव्या, पल्लवी ए, सभी लोग, ठीक है, कोई कौन सा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है, ये लाइन हो गई हमारे पास टॉप टू बॉटम, ठीक है। कह रहा है इन द 50 स्टूडेंट जतिन एंड राकेश रैंक्ड, तो सबसे पहले जतिन है 15th पोजीशन पर एंड राकेश 21st पोजीशन पर हैं, ठीक है। जतिन जो है ये टॉप से 15th पोजीशन पर है और राकेश टॉप से 25th पोजीशन पर हैं, क्लियर है।
तो आपको बताना है इनकी नीचे से कौन सी रैंक होगी, ये बताना है। देखिए इनकी नीचे से कौन सी रैंक होगी, तो कुछ मत करिए, आपको खाली बताना नीचे से कौन सी रैंक होगी। तो देखिए दो तरीके बताऊंगा इसमें। सबसे पहले बात करते हैं जतिन की। टोटल 50 लोग हैं, अगर यहां पर हमारे पास 15 लोग हैं बैठ चुके हैं यहां तक। सर मेरा नाम नहीं लिखा आपने, रौनक। चलिए रौनक, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा, रौनक का आंसर सबसे पहले आया था, ठीक है, फर्स्ट, ये लेगे रौनक, ठीक है। देखिए तो जतिन अगर 15th पोजीशन पर है तो इसके पीछे कुल कितने लोग बैठे होंगे, तो इसके पीछे टोटल बैठे होंगे 35 लोग, तभी तो ये यहां पर बैठा हमारे पास। टोटल काउंट करने पर 50 बनेगा, क्लियर है कि नहीं। तो जब नीचे से ऊपर काउंट करेंगे तो पहले 35 लोग काउंट करेंगे, तब हम लोग जतिन के पास आएंगे। तो यानी नीचे से जब जतिन के पास आएंगे तो जतिन किस पोजीशन पर है, 36th पोजीशन पर है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है ना। एज सेम अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, अगर यहां पर बात करते हैं हम लोग राकेश की, तो राकेश ऊपर से 21st पोजीशन पर है, तो इसके पीछे कुल कितने लोग बैठे होंगे, 29 लोग बैठे होंगे, बताइए क्लियर है कि नहीं। अब 29 लोग बैठे हैं, तो जब नीचे से ऊपर काउंट करेंगे तो पहले इन 29 को काउंट करना पड़ेगा, फिर राकेश की बारी आएगी, देन हम कह सकते हैं कि राकेश नीचे से 30th पोजीशन पर है, यानी कि नीचे से 30 पोजीशन पर है। तो अब 36 एंड 30 ये इन दोनों की नीचे से पोजीशन आ जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मैंने कल आपको बात बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स एल प्लस आर माइनस वन, ठीक है ना। चले तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 50। अब मान लीजिए जतिन की ऊपर से पोजीशन कितनी है हमारे पास, 15 प्लस आर, यानी वन साइडेड पोजीशन बतानी है, सेकेंड टाइम पोजीशन पता है, तो इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास, यानी सेकेंड साइड से ये 36 पोजीशन पर है। क्लियर है कि नहीं। तो आप बाई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हो आप लोग तो आप ऐसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो जाएगा आप लोग को। रितिका, दिलीप, नेहा, सोहम, फटाफट अप्लाई करिए बेटा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फटाफट अप्लाई करिए। जल्दी बताइए, बताइए। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? इना, रितिका, रौनक, बिल्कुल सही आंसर था आपका। दीक्षा, चंद्रेश, बढ़िया। दिलीप, डाउट है बेटा बताइए फटाफट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंप करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करें, फटाफट बताइए बेटा। आ गया सर, सिया 29 कैसे आया सर, 29 कैसे आया? देखिए बेटा 29 आया है सर, फॉर्मूला पता नहीं था सर, तो कंफ्यूजन हो रहे थे, अब पता चला। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस हैं हमारे पास, जैसे इसकी क्लास प्रीवियस हो गई है, कल कुछ बच्चों ने देखा था उसकी सिलॉक्स की क्लास देखी थी, तो वो भी पढ़ी है, आप सिलॉक्स दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ब्रेड रिलेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप उसको देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए, जब हमें पता है कि राकेश ऊपर से 21 पोजीशन पर है, तो राकेश अगर ऊपर से 21 पोजीशन पर है तो राकेश के पीछे 29 लोग बैठे होंगे बेटा, तभी तो काउंट करने पर टोटल हमारे पास 50 बनेगा। अब अगर इनको नीचे से काउंट किया जाए, नीचे से, तो नीचे से काउंट करने पर पहले इन 29 लोगों को काउंट करना पड़ेगा, है ना। अब इन 29 लोग काउंट करने के बाद ही तो हम लोग राकेश पर पास जा पाएंगे, तो 29 लोग ये हो गए और 30th पोजीशन पर कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा।
आई थिंक क्लियर हो गया, फटाफट बताइए। YouTube पर बेटा हमारी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, आप सिलॉक्स देख सकते हो। जिन बच्चों को सिलॉक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लगातार बच्चों ने सिलॉक्स में प्रॉब्लम बताई थी, सिलॉक्स की एक बहुत अच्छी क्लास चली थी, बच्चों ने बहुत लाइक किया था, आप लोग सिलॉक्स क्लास देखिए। कोई डाउट होता है तो हम सिलॉक्स की दूसरी क्लास भी लेकर आ सकते हैं, ऐसा डजंट मैटर, ठीक है ना। चले ये हो गया है तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। बताइए आंसर, कह रहा है इन अ रो ऑफ 42 स्टूडेंट 42 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नितिन इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, पिंकी के फोर्थ लेफ्ट में नितिन बैठा है। इफ पिंकी इज द 20 ऑफ द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी लास्ट से लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर है, हाउ फॉर नितिन फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द रो। सर व्हाट फॉर्मूला इज दैट? ओके फ्लेक्स मोर फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देन एल प्लस आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर स्टूडेंट इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। सर क्लॉक का कब करोगे क्लास? क्लॉक सागर, ठीक बेटा, अगर क्लॉक की नीड पड़ रही है तो क्लॉक की एक प्रॉपर क्लास, हालांकि मैंने क्लॉक में फॉल्टी क्लॉक आपको पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन एंगल वाले क्वेश्चंस की बात है तो मैं उसको भी लेके स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। आंसर बताइए, सबसे पहले आंसर किसका आया है? ऋषभ का आंसर इस बार भी आया सबसे पहले, ऋषभ 26, ठीक है। गोपाल, शिवाय, नेहा, रौनक, दीक्षा, सर 3 बजे ब्रेक लेकर बैटरी चेंज कर लेना। ओके बेटा बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फ्लेक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी बच्चों को, ठीक है। सभी लोग प्रॉपर टाइम लीजिए और एक बार में आंसर सही बताइए, प्रॉपर टाइम लीजिए। चंद्रेश 26, ठीक है। 24, जी सर एक क्लॉक क्लॉक की ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लेंगे बेटा, एंगल वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए 42 लोग हैं, 42% सिटिंग ऑन द फेंसिंग, नितिन इज द लेफ्ट ऑफ द पिंकी। अगर पिंकी यहां पर बैठी है कहीं पर, देखिए पिंकी यहां पर बैठी है तो फोर्थ लेफ्ट बैठा है, 1 2 3, चौथी पोजीशन पर कौन बैठा है? नितिन बैठा है। बताइए ये तो क्लियर है कि नहीं? ये आ गया, लेफ्ट में बैठा है। इफ पिंकी इज द 20th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब अगर बताइए ये लेफ्ट एंड से 20th पोजीशन पर सेट करके बैठी हैं, बताइए बैठ गई हैं, तो अगर आपको पिंकी की पोजीशन पता है तो क्या अब आप नितिन की पोजीशन नहीं पता कर सकते हो? बताइए फटाफट। अब अगर आपको पिंकी की पोजीशन पता है तो आप नितिन की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये 20 हो जाएगी, चेक कम करिए, 19 18 17 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 पोजीशन पर हो जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 16 पोजीशन पर कौन बैठा है? नितिन बैठा है। तो आपको बताना है हाउ फॉर नितिन फ्रॉम द राइट एंगल, तो राइट एंड से नितिन किस पोजीशन पर बैठा है आपको ये बताना है। देखिए आप फॉर्मुले बेस पे फॉर्मुले से कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल कर सकते हो। 42 लोग हैं, 16 लोग यहां तक बैठ चुके हैं, तो 42 लोग में 16 लोग बैठ चुके हैं तो कितने लोग बचे हैं हमारे पास? देन योर आंसर इज 25, तो इसके पीछे 25 लोग बैठे होंगे, क्लियर है कि नहीं? आ गया, आप 25 लोग बैठे हैं हमारे पास, तो जब पीछे से काउंट किया जाएगा तो पीछे से काउंट करने पर सबसे पहले ये 25 को काउंट किया जाएगा, तब हम लोग नितिन के पास आएंगे। तो 25 प्लस 1 तो पोजीशन इज 26, तो लास्ट एंड से यानी राइट साइड से नितिन 26th पोजीशन पर सिट कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया सभी को ये, आई होप क्लियर हो गया सभी को ये। फटाफट बताइए बेटा, फटाफट बताइए, ऑल गुड, क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, डाउट है पूछिए बेटा।
बिल्कुल फॉर्मूले से भी आ जाएगा नियति, बिल्कुल सही है। जल्दी बताइए लाउड एंड क्लियर सर, अगर 25 करेंगे तो 41 होगा, 25 करेंगे, बिल्कुल सही बेटा, वही मैंने बोला 25 करेंगे तो 21 होगा 16। एक मिनट आंसर 26 सर, एक और ठीक है सर, लेफ्ट से 16 हो रहे हैं सर, प्लीज वन सेकेंड, चलिए मैं दोबारा देख लेता हूं उसको, 42 ठीक है, 26 16 ये हो गए तो उसके पीछे हो जाएंगे। चलिए इसको मैं दोबारा देखता हूं एक बार, देखिए कह रहा है 16 लोग यहां तक बैठ गए बेटा, अगर 16 लोग अगर यहां तक बैठ गए हैं हमारे पास तो 42 में टोटल लोग 42 थे हमारे पास, वन साइडेड 16 प्लस सेकेंड साइड माइनस 1 ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 27th पोजीशन आएगी, 27th पोजीशन आएगी बेटा, ठीक है ना। आप क्लास एंड कीजिए सर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड है, ठीक है। चलिए से मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा देखिए, पिंकी हाँ बेटा बस एक बार दोबारा देखिए फिर खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 42 लोग बैठे हैं हमारे पास, ठीक है, नितिन पिंकी के 4 पोजीशन पर हैं, तो यहां पर नितिन बैठ गए, चलिए पिंकी इज द 20, पिंकी यहां पर 20th पोजीशन पर है, अगर पिंकी सर फॉर्मूला से प्लीज एक बार बात कीजिए, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा वही कर रहे हैं, देखिए ठीक है फॉर्मूले से कर रहे हैं, देखिए अब यहां पर अगर ये 20th पोजीशन पर है तो नितिन की पोजीशन क्या हो जाएगी, 16th पोजीशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आप बताइए कि यहां पर नितिन की 16th पोजीशन है, टोटल कितने लोग बैठे हैं हमारे पास, 42 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं हमारे पास, पिंकी इज एट 23 पोजीशन, नहीं बेटा 20, अच्छा राइट साइड से, ओके देखिए तो हमारे पास ये लेफ्ट से 16 पोजीशन पर हो गया हमारा, पिंकी इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये यहां से 16 पोजीशन पर हो गया हमारे पास, तो ये 16 पोजीशन पर है, ये 16 पोजीशन पर है, तो इसके पीछे कुल कितने लोग बैठे होंगे बताइए, तो आपका आंसर आएगा 26 लोग, 26 लोग बैठे होंगे, तभी तो 26 और 16 टोटल 42 होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब सही है, तो अब जब काउंट करेंगे हम लोग लास्ट से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से, तो पहले 26 को काउंट करना पड़ेगा, 26 के बाद एक ये 27, तो राइट साइड से अगर नितिन को काउंट करेंगे तो 27th पोजीशन पर आएगा ये, बिल्कुल सही है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, डजंट मैटर, पर आपका प्रोसेस सेम होना चाहिए। अगर इसको वाई फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, उसको भी देखिए, टोटल हमारे पास 42 लोग हैं, नितिन की वन साइडेड पोजीशन है 16, सेकेंड साइडेड पोजीशन बतानी है, लास्ट में माइनस वन करेंगे, लास्ट में माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, 15 प्लस आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है हाउ फॉर नितिन, देखिए एक आंसर तो ये आ गया, अब कह रहा है हाउ फॉर नितिन फ्रॉम द राइट साइड, राइट एंड ऑफ द रो, राइट साइड से कितनी दूरी पर है, हाउ फॉर, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा, हाउ फॉर कह रहा है हमारे पास, तो यहां पर 26 पोजीशन दूर बैठा है ना, नहीं बतानी है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर वही मैंने कहा ना, दो आंसर लेके चलेंगे बेटा, यहां पर अगर इसकी नितिन की एग्जैक्टली पोजीशन पूछेगा तो एग्जैक्टली पोजीशन क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि नितिन राइट साइड से कितनी दूरी पर बैठा है, तो आंसर इज 26 हो जाएगा हमारे पास, इसलिए यहां पर ऑप्शन हमारे पास 26 बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सो आंसर इज 26 और 27 बेटा, देखिए सुनिए मेरी बात, यहां पर नितिन की पोजीशन नहीं पूछी है, इफ अगर इफ ही आस्क द पोजीशन ऑफ नितिन द आंसर इज 27, अगर नितिन की पोजीशन पूछता, प्रॉपर नितिन की पोजीशन बताओ फ्रॉम द राइट साइड द आंसर इज 27, बट हियर ही आस्क हाउ फॉर नितिन फ्रॉम द राइट साइड,
राइट साइड से नितिन कितनी दूरी पर है, तो राइट साइड से नितिन 26 डिस्टेंस की दूरी पर बैठा है, देन आंसर इज 26, ठीक है ना। तो ये आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, लैंग्वेज प्रॉपर देखिएगा, पढ़िएगा, और इन केस कोई डाउट होता है तो आप दोबारा पूछिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा बेटा, फटाफट बताइए, आज का सेशन कैसा रहा फटाफट बताइए, कोई डाउट है किसी को पूछिए फटाफट। ओके सर, पोजीशन पूछना है ही नहीं है, हाँ वही है, पोजीशन नहीं पूछा है, गॉट इट, थैंक यू, थैंक यू फ्लेक्स। कल की क्लास अनाउंस हो जाएगी पहले ही, ठीक है। तो जो बच्चे टाइम नहीं क्लियर कर पाते हैं या टाइम को डाउट रहता है तो उनको कल से पहले क्लास पता चल जाएगी, ठीक है। इट वॉज ऑसम सृष्टि, थैंक यू सृष्टि, हिना थैंक यू सो मच, मुकेश, सिद्धार्थ सर मस्त इंटरेस्टिंग सेशन, ठीक है। आप जो भी करते हैं बेटा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें भी पढ़ के अच्छा लगता है, फर्स्ट क्लास थी काफी अच्छा लगा। ओके जिनकी फर्स्ट क्लास थी, आई होप, मुझे लगा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से सेशन को देखा है। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप आराम से लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास को देखिए, डाउट होता है तो आप कमेंट छोड़िए, बहुत ही वेरी सून आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रेट सेशन रवि, चंद्रेश, सोनम, सभी लोग को बहुत बहुत थैंक यू टुडे सेशन, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं फटाफट हम लोग, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास के बारे में बहुत जल्दी कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गुड बाय, वो कुछ बातें रहेंगे अभी।